श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, सकट चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य और मंगल मूर्ति हैं। वैसे तो हर माह चतुर्थी तिथि पड़ती है, लेकिन अगर बात करें माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की, तो इसे संकट चतुर्थी या तिल चौथ भी कहा जाता है। इस दिन श्री विघ्नहर्ता गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। दर्शकों, आज हम आपको साल 2024 में माघी संकट चौथ व्रत तिथि शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में बताएंगे। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन महिलाओं द्वारा निर्जल व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर तारों की छाव में ही व्रत का आरम्भ किया जाता है और पूरे दिन निराहार रहते हुए रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को देकर व्रत संपन्न होता है। एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब उन्हें अक्षत, दुर्वा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ से बने लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। दर्शकों, वर्ष 2024 में संकट चौथ का 29 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी 2024 की सुबह 8:55 पर। संकष्टी के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि के 9:10 पर।